नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं चौथे का चक्रव्यूह। और चौदह का चक्रव्यूह में हमारी आज की शख्सियत है हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई किसी परिचय के मोहताज नहीं, संघर्ष के पर्याय प्रदेश में माने जाते हैं और दरअसल वो चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। सवालों के इस चक्रव्यूह को कुलदीप बिश्नोई कैसे भेद पाते हैं, हमारे तीखे सवालों का सामना कुलदीप बिश्नोई कैसे करते हैं, ये आज हम देखेंगे चौदह का चक्रव्यूह में। कुलदीप बिश्नोई साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर चौदह का चक्रव्यूह में। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज इस चौदह के चक्रव्यूह में हमारे साथ संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या है, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार है और खुद कुलदीप बिश्नोई साहब है। कुलदीप जी, लोकसभा चुनाव आपने बड़ी जान बड़ी ताकत से लड़ा, परिणाम आपके फेवर में नहीं गए, रशाकसी चली, बहुत सारी बयानबाजियां हुई, गठबंधन टूट गया। अब जो विधानसभा चुनाव की रणनीति है वो कहां पर खड़ी हुई है, क्योंकि जिस दिन आपने एक गठबंधन तोड़ा उससे अलग हुए उसी दिन आपने दूसरा गठबंधन बना लिया, कैसी तैयारी चुनाव की चल रही है? देखिए, तैयारी हमारी बहुत जबरदस्त चल रही है और मैं विनोद शर्मा जी के साथ मेरा अलायंस हुआ और उनके साथ अलायंस होने में निसंदेह हमारे गठबंधन में हमारे को बहुत मजबूती मिली है। बहुत लंबा तजुर्बा उनका राजनीति का भी है और बहुत सशक्त बहुत महान शख्सियत भी हैं। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, एक तो हमारा गठबंधन हुआ हजका का और विनोद जी का, और दूसरा अभी तक 32 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कवर कर चुका हूँ, 32 हल्के, जो कि कोई भी पार्टी अभी शुरू भी नहीं हुई है। एक्सेप्ट फॉर की एक बड़ी रैली हुडा साहब ने की पानीपत में, या इन्होंने जो यात्रा की बीजेपी ने जो फ्लॉप रही, इनकी चार रैलियां कर केंद्र के नेता है वो फ्लॉप रही, इसके अलावा किसी ने धरातल पे जिस प्रकार की तैयारी हमने की है किसी पार्टी नहीं की है। 32 हल्के अगर कवर किए मैंने बड़ी रैलियों के माध्यम से, वो सिर्फ बड़ी रैलियां नहीं थी, मेरे नेताओं ने गाँव गाँव जाके प्रचार किया तभी इतनी भारी भीड़ सभी हल्कों के अंदर आई। तो तैयारी के रूप में जमीनी धरातल पे हम बहुत आगे हैं, कैंडिडेट्स की हमारी लिस्ट तैयार पड़ी है और जिस दिन चुनाव अनाउंस होंगे अगले दिन अनाउंस होगा। हम प्रदेश की सियासत पर और बहुत सारी बात करें, तमाम गठजोड़, चुनावी समीकरण, जाट गैर जाट, सीटों का बंटवारा, ये सब, इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि गठबंधन आखिर टूटा क्यों, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता इसी कार्यक्रम में आए। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो भी इसी कार्यक्रम में एक ही बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि हज का जिम्मेदार है, हम उन्हें साथ लेकर चलना चाहते थे लेकिन उन्होंने फिर दूसरा रास्ता अपनाया। या परिस्थितियां बदल गई क्यों? जनभावना का सम्मान ये मेरे ख्याल यही परिस्थिति की भेंट चढ़ी स्टेज के बाद। हालांकि शुरू में बीजेपी के बहुत सारे नेता गठबंधन तोड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आपने भी देखा होगा कि तमाम उन सब लोगों की जिन्होंने आपके साथ बैठ के लिखित गठबंधन किया, लिख के उस पर तमाम सारी चीजें की, उन सब की भी जुबान धीरे 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 चेंज होती रही। तो ऐसा क्या प्रेशर उनके ऊपर आया या ऐसी कौन सी शर्तें थी जो आपको मान्य नहीं थी? मुझे लगता है कि आज हरियाणा की जनता को बेबाक होके और खुले होके अपने को बताना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अलायंस हमारा हुआ, मैं थोड़ा पीछे आपको लेके जाना चाहता हूँ, जो बीजेपी की फितरत रही है धोखेबाजी की वो हमें शुरू से पता था और हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा समझौता है जो लिखित हुआ हमारा, क्योंकि हमारे नेताओं ने सबने कहा कि अलायंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की फितरत है यूज एंड थ्रो करने की, इस्तेमाल करते हैं रीजनल पार्टीज का फिर उन्हें ब्लैकमेल करके छोड़ देते हैं। तो मैंने लिखित समझौता किया कि किसी न किसी तरीके से इनकी फितरत बदले, लेकिन पहली बार मुझे तब पता लगा कि इनके मन में खोट है। जिस वक्त लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हुए और मैं विनोद शर्मा जी को बहुत मेहनत से मना के उनको मैं साथ जोड़ रहा था, उस वक्त करनाल देना चाहते, करनाल पार्लियामेंट से लड़वाना चाहते थे, तो जिस प्रकार से सुषमा स्वराज जी ने, रामविलास शर्मा जी ने जबरदस्त विरोध किया इसका और पूरी बीजेपी यूनिट जबरदस्त विरोध किया, उससे मुझे अंदेशा होना शुरू हो गया कि ये इमीडिएटली बात धोखा देंगे, क्योंकि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला हम करेंगे, बीजेपी नहीं करेगी, और बीजेपी से कौन लड़ेगा उसका फैसला वो करेंगे। उस दिन आपको ये आइडिया होना शुरू हो गया था, उसके बाद चंद्रमोहन जी की टिकट के लिए मना होना, फिर करनाल सीट हमसे ले लेना, वो हमें पता लग गया, परिस्थितियाँ धीरे धीरे खराब होती गई। उसके बाद जब मैंने हिसार का चुनाव लड़ा, अभी आप कह रहे थे चुनाव लड़े हमको हराया गया,
तो उस चुनाव के अंदर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पूरे कैडर ने हमारा विरोध किया, खुले तौर पे भी अंदर खाते भी, जिला प्रधान की घरवाली घूम रही है अजय चौटाला के लड़के के साथ, कैप्टन अभिमन्यु का भाई और भतीजा वोट मांगता फिर रहा है लोकदल के लिए, और कांग्रेस के ये बीजेपी के लोग करते जा रहे साथ में इनके, और उसके बाद मोदी साहब की रैली कैंसिल होनी, फिर अरुण जेटली साहब की रैली कैंसिल होनी, तो ये सारी बातें लोकसभा के चुनाव से शुरू हुई। उसके बाद नतीजे आने के तुरंत बाद जिस प्रकार के आपत्तिजनक बयान इनके नेताओं ने देने शुरू किए मेरे बारे में, मैंने इतना लंबा संघर्ष किया है 9 साल लगातार, हुड्डा साहब और चौटाला साहब ने भी इतने मेरे बारे में मेरे गंदे शब्द इस्तेमाल नहीं किए होंगे जितने इन्होंने 1.5 महीने में किए। जो परिस्थितियां उन्होंने बनाई, जैसा आपने कहा कि भाई रामविलास शर्मा जी ने कहा कि हम रखना चाहते थे, कुलदीप ने तोड़ा है, तो उनको शायद याददाश्त कमजोर हो गई है, क्योंकि अनिल विज से लेके कैप्टन अभिमन्यु से लेके अश्विनी मिन्ना से लेके सभी लोग ये बात कहते रहे कि भाई हमने तो गठबंधन तोड़ दिया है, कुलदीप समझ नहीं रहा है। तो मैंने तो औपचारिक घोषणा की है, और गठबंधन तब होता है जब दिलों का मेल हो। अगर आप रोज मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार के वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, गठबंधन टूटा हुआ है, तो निसंदेह मैंने सिर्फ घोषणा की है। कौन सैद्धांतिक आदमी, कौन स्वाभिमानी आदमी इनके साथ जाना जाएगा? लेकिन आरोप प्रत्यारोप का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में और ये कहा कि अब हम ये गठबंधन तोड़ रहे हैं, इसके साथ चलना मुश्किल नहीं है, ये धोखेबाज हैं वगैरह वगैरह, तब आपने कहा कि मैं एक तरह की फेस सेविंग कर रहा था। जितनी भी रैलियां हुई, चाहे वो नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हुए हों, चाहे वो अमित शाह के कार्यक्रम हुए हों, या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान, आपको किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, लेकिन गठबंधन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, गठबंधन के चेहरे को बनाए रखने के लिए मैं उसमें खुद जाता रहा। ये सवाल 14 का चक्रव्यूह में हमने रामविलास शर्मा जी से पूछा कि कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं को। उन्होंने कहा मैंने खुद 4 बार फोन किया है, कुलदीप जी गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी के नाम से मशहूर हो चुकी है। रामविलास शर्मा और इनकी फितरत सिर्फ झूठ बोलने की है। जो लोग पंडित भगवतदास शर्मा जी के साथ धोखा कर सकते हैं, जो चौटाला के साथ, देवीलाल जी के साथ, बंसीलाल साहब मेरे साथ कर सकते हैं, उनकी बातों पर विश्वास आप कैसे कर सकते हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं, जिनके लिए हम वोट मांग रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो मैं क्यों उनकी रैली में नहीं जाऊंगा? कोई गैर राजनीतिक आदमी भी ये बात मान नहीं सकता है। और उसके बावजूद मैंने राजनाथ जी की रैली मेरी वाइफ को रेणुका को भिजवाया, और मोदी साहब की रैली में ना बुलाने के बावजूद रेवाड़ी के अंदर मैं गया, और बाकी रैलियों के अंदर मेरे नेताओं को मैंने भिजवाया। अगर मेरे को नहीं रखना होता तो हम पूरा बॉयकॉट उनका करते। तो रामविलास शर्मा जी एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण जबान का आदमी होता है, भगवान से डरने वाला आदमी होता है, उनको सच बोलना चाहिए, झूठ गुमराह नहीं करना चाहिए। अमित शाह से भी मिलने गए आप, आपने काफी कोशिश की, 18 तारीख की मुलाकात जो हुई थी वो बड़ी अच्छी मुलाकात थी, आपने भी बाहर आके बयान दिया था कि सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात हुई है। अगले दिन रैली में हमने देखा अचानक एक कुर्सी दिखाई दी जिस पर आपकी प्लेट लगी हुई थी कि कुलदीप बिश्नोई को हम बुला रहे हैं। ये दावे किए गए कि साहब फोन गया है, आप दिल्ली या दिल्ली से बाहर थे, बयान आए कि उनका आना मुमकिन नहीं है, इस सब में क्या हुआ? नहीं देखिए, अमित शाह साहब से मेरी मुलाकात अच्छी हुई क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान से सारी बातें सुनी। उनको मैंने जमीनी हकीकत को समझाया था कि भाई अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो सरकार हमारी तस्तरी पे पड़ी हुई है, बनी पड़ी है हमारी, यदि हम अलग होते हैं तो फिर निसंदेह दूसरे लोगों को फायदा हो सकता है। मैं तो फिर भी जनता का आशीर्वाद ले लूंगा, बीजेपी को कोई माफ नहीं करेगा। सारी बातें मैंने डिटेल में उनको समझाई, जो जमीनी लोग क्या चाहते हैं, वास्तविकता क्या है, समीकरण क्या है हरियाणा के, और प्रोधन कौन क्या है। उन्होंने बात को सुना और उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर आपको बताएंगे जी। तो इसलिए मैंने बाहर आए कहा कि भाई बहुत बढ़िया वातावरण रहा कि मेरी बात को कम से कम किसी ने सुना तो नहीं बीजेपी के अंदर। और जहां तक कैथल की मोदी साहब की रैली में ब्लैक कार्ड लगाने की बात थी, उसके अंदर मुझे चौधरी धर्मपाल मलिक जी को 11:30 बजे फोन आता है उनके नेताओं का कि भाई कुलदीप जी को आमंत्रित किया गया है 1 बजे की रैली के अंदर। 10 बजे फोन आता है? 11:30 बजे 1 बजे दिल्ली से अगर मैं बाय रोड जाऊंगा 3.5 घंटे कैथल का रास्ता है, 1 बजे मोदी साहब ने आना है, तो मैं उनके जाने के बाद जाके क्या करूंगा? और फिर किसी नेता को अगर गठबंधन के लीडरों को आप इन्वाइट करते हैं तो फॉर्मल इन्विटेशन 1 दिन पहले आए ताकि तैयारी तो करे। हेलीकॉप्टर से अगर जाना पड़े तो हेलीकॉप्टर की बुक करके परमिशन लेने के अंदर सरकारी रैली निकल जाता है। हमने आमंत्रण पत्र नहीं बांटे थे और कुलदीप जी हमारे गठबंधन में है, उन्हें आना चाहिए था, वो तो ये उम्मीद करके बैठे थे आपसे। बगैर शादी के अंदर बगैर बुलाए तो कोई जाएगा नहीं, ब्याह के अंदर कोई बुलाएगा तो ही जाएगा। रैली का सरकारी है तो भी मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हूँ, मैं एक अलायंस का हेड हूँ था उस वक्त, उसके हैसियत से मुझे उनको फॉर्मल इन्विटेशन देना चाहिए था। फिर आप फॉर्मल नहीं दे रहे हैं तो कम से कम कुछ समय तो देंगे मुझे पहुंचने का, 3.5 घंटे पहले तो आप इन्वाइट कर ही थे, गाड़ी में पहुंच तो जाऊं मैं वहां पर, प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। कुल मिला के दिखावा था बिल्कुल, वो पर्ची लगाना, वो मीडिया को ये दिखाना, लोगों को गुमराह करने की बात थी। 100% जानना चाहता हूँ,
अगर संक्षेप में ये सारा तीन चार पांच महीने ये घटना चक्र चला, ये इसके चुनाव के बाद लोकसभा उसके बाद, आपको दो मूल कारण क्या लगते हैं? बीजेपी वालों को ऐसा क्या लगा आप जैसे व्यक्ति से जिसका जनाधार है, जिसकी पार्टी का जनाधार है, पूरी लेगेसी है, पूरा तमाम सारी चीजें हैं, यही बीजेपी आपके पास आई थी गठबंधन के लिए, ऐसी क्या और वो कौन से, ये जानने की आज तक नहीं पता लग पाया कि असली कल्प्रिट कौन है।